निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के दर्शनार्थ 10 सितंबर को उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री अशफाक सैफी आगरा के हरि पर्वत स्थित अमृत सुधा सभागार पहुँचे। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में पहुँचे श्री सैफी जी ने मुनिवर के समक्ष श्री फल भेंट किया, जिसके बाद चातुर्मास कमेटी के द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत सत्कार के बाद श्री सैफी जी ने उद्बोधन में मुनिवर की चर्या की अनुमोदना की। परम पूज्य संत श्री सुधाकर सागर जी की चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आगरा की जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रकार से आप एक त्याग, तपस्या, अहिंसा इन मंत्रों पर चलकर जैन समाज आपके मार्गदर्शन में काम कर रहा है। इसके साथ ही श्री सैफी ने जिनवाणी चैनल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नीरज जैन की भी भूरी भूरी प्रशंसा की कि हमारे इस शिविर के परम आदरणीय संयोजक और जिनवाणी चैनल के मालिक, जिनको मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लगातार वो समाज सेवा में और इस कार्यक्रम के माध्यम से घर घर तक जो आपकी आवाज़ को पहुँचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे नीरज जैन साहब, निश्चित रूप से जो आपके आशीष वचन यहाँ हो रहे हैं वो आगरा के प्रत्येक घर तक पहुंचाने का काम नीरज जी कर रहे हैं, मैं इनको साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। इस दौरान श्री मनोज जैन जी ने जैन समाज की मूलभूत मांग को रखते हुए उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने की बात कही, जिस पर श्री सैफी जी ने कहा कि वे समाज की बात सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे और प्रयास करेंगे कि जैन समाज की मांग पर सरकार गौर करे। एक विषय जो हर सभा में हमारे यहाँ उठता है वो है जो राशि हमारे विद्यार्थियों को मिलती है उसकी जो इनकम सीमा है बहुत कम है। अगर जूनियर वर्ग में देखें तो मात्र 1,00,000 रुपए की आयु की आय सीमा को कोई मदद मिलेगी। अगर सीनियर वर्ग में देखें तो 2,00,000 रुपए। आज के युग में ये राशियां बहुत कम हैं। इसको कम से कम माननीय सीएम साहब के पास इस बात को लेकर 6,00,000 और 8,00,000 रुपए की राशि अब करनी चाहिए। और आपने जो बात मुझसे कही है निश्चित रूप से ये बहुत काबिले तारीफ है और जो हमारे गरीब हैं, पिछड़े हैं, जो एजुकेशन में उनको लाभ मिले, इसके लिए आपने जो हमें सुझाव दिया है, मैं एक अनुरोध आपसे करूँगा, आपके जो संस्था है उसके माध्यम से एक मुझे पत्र मिल जाए तो मैं पत्र को ले जाकर सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप बहुत सुंदर। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम के बाद श्री अशफाक सैफी जी ने गुरुवर की आरती उतारी। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।